वेलकम बैक टू पाकिस्तान आइडल टॉप 9 की फाइनल बाजी और आज हमारी पार्टी थीम का मजा दुबाला करने आ रहे हैं मोहम्मद शुएब, जिनके पास लाइव के सारे मजे कैश करने का कोई हल है। प्लीज वेलकम मोहम्मद शुएब। आलमगीर सर को अपने सामने देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और वो हमारे लेजेंड हैं और पाकिस्तान में सबसे पहले पॉप म्यूज़िक का स्टार्ट ही उनसे हुआ है, तो उन्होंने जो मुझे टिप्स दिए हैं उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगा और आज जो परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह हमारी, तो उसमें मैं उस उन सब टिप्स को भरवे कार लाऊँगा इंशाल्लाह और उनसे अच्छे कमेंट्स लूँगा। मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, हो जीने का ले ले मजा, हो डरने की क्या बात है। तुमने बड़े अच्छे निभाया, जो इसके गाने का जो थीम है, जो मूड है, उस मूड में ही तुमने गाया है इसको। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लो नोट्स का ख्याल रखना, हाँ बस ऊपर तुम जैसा जाते हो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तो बी केयरफुल ऑफ द लोअर नोट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुएब का वॉइस में एक हल्का सा हस्कीनेस है जो अच्छा लगता है। अब इसको इसका ऑप्शन है, या तो इसको क्लीन कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, पलटा करके, रियाज करके, और एक ऑप्शन है ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसका भी एक अट्रैक्शन होती है। तो इसके मर्जी है कौन से ऑप्शन उसको पसंद है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। पठनवा का भंगड़ा, सब बोल रहे होंगे हाँ 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 हाँ, रे आप ही को वोट देना है, क्या बात है। जजेस क्या ख्याल है, बुशरा जी कैसा गाया? बहुत मजा आया। शुएब की सबसे प्यारी बात, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्या एक बहुत प्यारी सी चीज़ शुएब में है जो सबसे अलग करती है। इनकी बहुत प्यारी सी स्माइल और इनका जो एक बिहेवियर है जिसमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है, हर वक्त खुश नज़र आते हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आज गाने में भी इन्होंने बहुत ताकत, बहुत ज़बरदस्त सुर का मुजाहरा किया, बहुत इन्जॉय करके गाया और साबित कर दिया कि भाई हर तरह का गाना ये शौक से और अच्छी तरह गा सकते हैं। थैंक यू मैम, वेल डन। थैंक यू सो मच जी अली। इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि डिनाई नहीं की जा सकती। एक तो ये तकरीबन हर शो पे किसी ना किसी कंटेस्टेंट को कंधे पे उठा लेते हैं, तो इनकी ये अदा बहुत मुझे पसंद है।
और दूसरा ये कि मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ कि अब जो कंटेस्टेंट बाकी रह गए उनमें से जो सबसे ज़्यादा यंग वॉइस है वो किसकी है, तो मैंने इस नतीजे पे पहुँचा कि जब मैं पहुँचा तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि ये आवाज़ जो है शुएब की है, इट्स अ यंग वॉइस। थैंक यू सो मच। और ये इतने इतने मुश्किल गाने पिछले जब से कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ है ये मुश्किल से मुश्किल गाना लेके आते रहे और ये कि बस कि मैं दिखा दूं सबको, और कहीं कहीं कुछ कुछ गपल्ले मारते रहे। तो मैंने कहा कि भाई यार तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है तो तुम गाने कुछ ऐसे चूज़ करो जो कि पॉप आइडल, अब ये पॉप आइडल जो है इसके अंदर अब आज डांस का था तो उन्होंने उसका एक भरपूर तरीके से गाना गाया और अच्छा गाना चूज़ किया। इनकी आवाज़ के लिए यंग गाना था, इनकी आवाज़, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी हंसी, इनकी स्माइल, सारी चीज़ें ऐसे गानों के सूट करती हैं। पॉप आइडल बने, इतने सीरियस ना हो, और वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू जी आलमगीर साहब। माशाल्लाह फैंटास्टिक, बहुत अच्छा तुमने परफॉर्म किया, और जो भंगड़ा का स्टाइल होता है वो तुमने पूरा किया उसमें, और तुमने इन्जॉय करके गाया, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। बहुत अच्छा तुमने गाया माशाल्लाह, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी अधिका। चलो मैं करीब आ जाता हूँ। जी अधिका। शुएब को मैं थ्रू आउट ऑब्जर्व कर रही हूँ, ही इज़ अ गुड किड, और बड़ा ये मुअद्दब सा है, बड़ा रिस्पेक्टफुल, वेरी स्माइलिंग, आई थिंक ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। जब ऑडिशंस पे भी आया था तो मैंने कहा था मिलियन डॉलर स्माइल है तुम्हारी, और यू विल गो अ लॉन्ग वे। बट द थिंग इज़ के आपने अपनी पिछली परफॉर्मेंस भी देखी होगी, उससे पिछली भी देखी होगी, थ्रू आउट आई एम श्योर कि आपके फैंस को इस चीज़ की तकलीफ़ होती होगी कि मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ आपको, लेकिन बाखुदा मैं जिस सीट पर बैठी हुई हूँ, ये आपकी, मैं अगर आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी कोलीग हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं अगर ऑडियंस में से हूँ, तो मैं बिल्कुल यही चीज़ें कहूँ कि यार तूने कमाल कर दिया, तू छा गया, तूने बहुत अच्छा किया। बट आई एम सिटिंग ऑन अ जज सीट, इस पर मुझे सुरों को तोलना है, सुरों के बारे में बात करनी है, तो मैं जहाँ पे सुर मुझे कम लगते हैं वहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ। आपके सुर इसमें भी काफ़ी जगहों पे वीक थे, लेकिन आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस से ये परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतर थी। अगर आपको, आप मुझे बताओ कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस आपने सुनी? जी बिल्कुल सुना। जब वो ब्रॉडकास्ट हुआ तो आपने सुना? जी। कैसा लगा मुझे बताओ? गलतियाँ थी। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की, आई स्वेयर शुएब, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने उनको एक्नॉलेज किया है कि वो गलतियाँ हुई हैं, तो उस चीज़ से आपने लर्न किया, और मैं आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट अभी भी, सो टेक इट पॉजिटिवली, और यू विल गो अ लॉन्ग वे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जजेस। और मोहम्मद शुएब, आज अपने फैन से कह डालो जो तुम्हारे दिल में है। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे इसी तरह हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं तो मुझे वोट कीजिए। मोबलिंग के यूज़र्स टाइप करें आइडल IDOL स्पेस दें MS जो कि मेरा कोड है, और उसे भेज दीजिए 200 पर। और अगर आप कोई और नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप यही मैसेज लिखें आइडल IDOL स्पेस दें MS जो कि मेरा कोड है, और उसे भेज दीजिए 8001 पर। आगे का आप बताएं। याद रहे कि वोटिंग लाइंस खुली हैं कल रात 12 बजे तक। खूब सारे वोट्स भेजिए मोहम्मद शुएब के लिए। मेरा मेहरबानी। वेल डन।